फ्रेंड्स, मैं फरजंद अली इस वीडियो में आपको बताऊंगा इनकम टैक्स की ITR 4 रिटर्न कैसे जमा होती है। मैं आपको सबसे पहले ये बता दूं कि इनकम टैक्स की ITR 4 कौन कौन जमा कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं इनकम टैक्स का फॉर्म नंबर 4 वही जमा कर सकते हैं जो कि प्रिजम्प्टिव इनकम की जो स्कीम है उसको फॉलो या ऑप्ट करते हैं। तो इसके लिए किसी की भी टर्नओवर या सेल 2 करोड़ या इससे नीचे है वो इस स्कीम को ऑप्ट कर सकते हैं, या कोई प्रोफेशनल है जिसकी टोटल रिसीप्ट अगर 50 लाख से नीचे है वही इस स्कीम को ऑप्ट कर सकते हैं। इसके अलावा किसी की सैलरी है वो 50 लाख से नीचे है या इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज है तो उसकी टोटल इनकम 50 लाख से नीचे है वही इस स्कीम को ऑप्ट कर सकते। अब मैं बता दूं आपको इस स्कीम में आपकी इनकम कितनी मानी जाए, टोटल सेल या आप कहें टर्नओवर या आप कहें रिसीप्ट अगर डिजिटल मोड से अगर आती है जैसे बैंक के थ्रू आ रही है या आजकल ऑनलाइन हो रहा है उसके थ्रू अगर आपके पास पेमेंट आ रही है तो आप टोटल रिसीप्ट का 6% इनकम मान सकते हैं उसको, और बाकी आप आपके अपने ऊपर है, आप 6% से ऊपर भी मांग सकते हैं। इसके अलावा अगर आपकी रिसीप्ट या टर्नओवर डिजिटल मोड के अलावा किसी अदर्स से है तो आपको मिनिमम टोटल रिसीप्ट का या टोटल टर्नओवर का आपको 8% यानी कम से कम 8% उस टोटल रिसीप्ट का आपकी इनकम मानी जाएगी। तो ये अमाउंट आपको जो माना जाएगा वो आपकी इनकम मानी जाएगी, तो उस इनकम पर आपको इनकम टैक्स लगेगा। तो उन्हीं लोगों के लिए जो मैंने अभी आपको बताए हैं जो कि प्रिजम्प्टिव इनकम जो स्कीम है गवर्नमेंट की उसको ऑप्ट करते हैं वही फॉर्म नंबर 4 जमा कर सकते हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगा शुरू से लेकर के लास्ट तक कि आप फॉर्म नंबर 4 इनकम टैक्स रिटर्न कैसे जमा कर सकते हैं। आप मेरी वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा क्योंकि अगर आप इस वीडियो को स्किप कर देंगे तो फिर आपको कहीं ना कहीं कुछ छूट जाएगा और वो आपको पूरी समझ में नहीं आएगी, इसलिए आप इसको शुरू से लेकर के लास्ट तक फुल वीडियो देखिएगा तो आपको एकदम समझ में आ जाएगी और आप अकाउंटेंट बन जाएंगे और आप खुद अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न जमा कर सकते। फ्रेंड्स, अगर आप मेरी वीडियो देखते हैं और आपने अभी तक मेरे YouTube चैनल टैक्स हेल्प विद फरजंद अली को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपको कुछ नहीं करना है, इस तरह का एक सब्सक्राइब लिखा हुआ दिखाई देता है वहां पर आपको क्लिक करना होता है, और इसके अलावा आपको एक घंटी का निशान यानी बेल आइकन दिखाई देगी इस तरह की, तो वहां पर आपको क्लिक करना है, और वहां पर क्लिक करने के बाद एक ऑल लिखा हुआ होता है तो आपको वहां पर ऑल पे क्लिक करना है। जब आप ऑल पे क्लिक कर देंगे उसके बाद मैं जब भी कोई अपनी वीडियो डालूंगा तो उस वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मोबाइल पर दिख जाएगी, मिल जाएगी, और आपको पता चल जाएगा कि मैंने एक नया वीडियो डाला है, तो आप मेरी वो वीडियो सबसे पहले देख सकते हैं। अब हम आपको बताएंगे इनकम टैक्स की रिटर्न कैसे जमा की जाती है, और अब हम जमा करेंगे इसमें ITR 4। उसके लिए हम सबसे पहले जाएंगे इनकम टैक्स की वेबसाइट पर और incometax.gov.in इसको खोलेंगे, तो इस तरह से ये खुलेगी। तो यहाँ पर आपको ऊपर दिखाई देगा लॉगिन, लॉगिन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर यूजर आईडी देंगे, जो पिन नंबर होता है वही यूजर आईडी होता है। यहाँ कंटिन्यू करेंगे और कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर इसको सिलेक्ट करेंगे प्लीज कंफर्म योर सिक्योर एक्सेस मैसेज, और फिर यहाँ पर देंगे पासवर्ड। और यहाँ कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे, ये देखिए हमारा लॉगिन हो गया है।
हम सबसे पहले ई फाइल लिखा हुआ है यहाँ क्लिक करेंगे, फिर इनकम टैक्स रिटर्न पे जाएंगे और ऊपर फाइल इनकम टैक्स रिटर्न पे क्लिक करेंगे। और ये देखिए यहाँ पर सिलेक्ट असेसमेंट ईयर, तो हमें रिटर्न जमा करना है 22-23 की, और फिर ऑनलाइन पे सिलेक्ट करना है, फिर कंटिन्यू, फिर यहाँ पर स्टार्ट न्यू फाइलिंग, और यहाँ पर हमें इंडिविजुअल पे सिलेक्ट करना है, फिर कंटिन्यू, फिर यहाँ पर हमें सिलेक्ट करना है कौन सा फॉर्म जमा करना है हमें, तो हम अभी फॉर्म नंबर 4 जमा करना है, तो हम ITR4 पर सिलेक्ट करेंगे और फिर प्रोसीड विद ITR4। अब यहाँ पर लेट्स गेट स्टार्टेड पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर हमें ये कुछ जवाब देने हैं सिलेक्ट करने के बाद। हमें क्या है, पहले सिलेक्ट करना है टैक्स पेबल इनकम इज मोर देन बेसिक एग्जम्पशन लिमिट, या फाइलिंग रिटर्न ऑफ इनकम ड्यू टू फुलफिलिंग एनी वन और मोर बिलो मेंशन कंडीशंस एज पर 7th प्रोविजो टू सेक्शन 139। अगर इसमें हमें क्लिक करेंगे तो फिर इसमें कुछ रिक्वायरमेंट है कि अगर आपका ये है तो आपको इनकम टैक्स रिटर्न जमा करना मैंडेटरी है। उसमें सबसे ऊपर है डिपॉजिटेड अमाउंट और एग्रीगेट ऑफ अमाउंट एक्सीडिंग 1 करोड़ इन 1 ईयर और मोर करंट अकाउंट्स ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर, अगर आप ये हैं तो आपको मैंडेटरी है। और इनकर्ड एक्सपेंडिचर ऑफ एन अमाउंट और एग्रीगेट ऑफ इनकम एक्सीडिंग 2 लाख फॉर ट्रेवल टू ए फॉरेन कंट्री फॉर योरसेल्फ और एनी अदर पर्सन, यानी आपने कहीं बाहर गए और 2 लाख रुपए से ज़्यादा अगर आपने खर्च किए हैं, बाहर का मतलब विदेश में, तो भी आपको इनकम टैक्स रिटर्न जमा करना मैंडेटरी होता है। और फिर है इनकर्ड एक्सपेंडिचर ऑफ अमाउंट और एग्रीगेट ऑफ अमाउंट एक्सीड 1 लाख और ऑन कंजम्पशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, यानी आपने 1 साल में 1 लाख रुपए से ज़्यादा अगर बिजली का बिल पेड किया है या कंजम्पशन किया है तो भी आपको इनकम टैक्स रिटर्न जमा करना मैंडेटरी है। और इसके बाद है आर यू रिक्वायर्ड टू फाइल रिटर्न एज पर अदर कंडीशन प्रिस्क्राइब अंडर क्लोज 4th ऑफ 7th प्रोविजन, अगर आप इसमें आते हैं तो आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है, और अगर इसके अलावा है तो आपको अदर पे क्लिक करना है। तो मैं फिलहाल अपने रिटर्न जो जमा कर रहा हूँ उसमें अदर क्लिक कर रहा हूँ, अगर आपका इनमें से किसी में आता है तो आप वो सिलेक्ट करिएगा। अब यहाँ पर ओके क्लिक करेंगे। अब ये देखिए सबसे पहले पर्सनल इन्फॉर्मेशन, इसको हमें फिल करना होता है, फिर है ग्रॉस टोटल इनकम, फिर इसके बाद डिस्क्लोजर एंड एग्जेम्प्ट इनकम, फिर टोटल डिडक्शन, ये सारे जितने भी आइटम है ना इनको सबको हमें वेरीफाई करना होता है। तो हम सबसे पहले पर्सनल इन्फॉर्मेशन पर क्लिक करेंगे। ये देखिए इस तरह खुला। अब यहां पर हम स्क्रॉल डाउन करके यहां पर एडिट पर क्लिक करेंगे, और एडिट पर क्लिक करने के बाद यहां पर जो भी पर्सनल डिटेल है उसमें अगर आपको लगता है कि हमें कुछ चेंजिंग करनी है तो उसको चेंज करेंगे, अदरवाइज उसी को सेम फिट कर देंगे, लेकिन उसको फिल करना मैंडेटरी होता है। अब जैसे यहाँ पर हमें कंट्री रीजन इंडिया, पिन कोड या पिन कोड देना है, और पिन कोड के बाद फिर यहाँ पर स्टेट ऑटोमेटिक आ जाएगा। अब यहाँ डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करना होता है और यहाँ पर अपना एड्रेस देना है, जो भी एड्रेस होता है, यहाँ से लोकल एरिया में आप बहुत सारे एरिया के नाम आते हैं तो जो भी आपके एरिया पड़ता है उसको सिलेक्ट करना होता है। यहाँ पोस्ट ऑफिस,
और फिर हम सेव कर देंगे। तो ये हमारा जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है वो हमारी कंफर्म हो गई। और इसके बाद फिर नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे अब इसमें देखिए ये ऑटोमेटिक सिलेक्ट हो रहा है क्योंकि हमारी लेट रिटर्न जमा हो रही है इसलिए सिलेक्ट हो रहा है 139 सेक्शन 4 में। इसके बाद हम नीचे देखेंगे यहाँ हमने नो पे सिलेक्ट करेंगे और यहाँ नोट ऑप्टिंग करेंगे। फिर यहाँ पर वेदर दिस रिटर्न इज बीइंग फाइल्ड बाय रिप्रेजेंटेटिव एसएससी तो हम यहाँ पर नो करेंगे क्योंकि हम खुद रिटर्न जमा कर रहे हैं अपनी। उसके बाद जो भी बैंक अकाउंट है उसको हम यहाँ पर जो भी वैलिडेट है उसको यहाँ सेलेक्ट करेंगे। ये हमारा ऑलरेडी हो रखा है फिर हम इसको यहाँ कन्फर्म करेंगे। तो ये देखिए यहाँ पर कन्फर्म लिखा हुआ आ गया। अब नेक्स्ट है ग्रॉस टोटल इनकम तो ग्रॉस टोटल इनकम पर हम यहाँ क्लिक करेंगे। अब इसमें हमें अगर आप सैलरीड है तो उसमें आपको यस नो करना है और बिजनेस से रिलेटेड जो है वो इसमें कुछ नहीं करना। अगर बिजनेस आपका तो यहाँ सभी जगह नो करना होता है। क्योंकि ये सारे के सारे जो 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 सैलरी इनकम वाले हैं उनके लिए होता है ज़्यादा जितने भी ये यस या नो। तो मैंने नो पे सेलेक्ट किया और कंटिन्यू कर दिया। अब यहाँ पर देखिए इनकम फ्रॉम सैलरी है तो डाल दीजिए और फिर इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में कुछ है तो उसमें डाल दीजिए। इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन ये लिखा हुआ है इसके नीचे लिखा है ऐड डिटेल तो हमें ऐड डिटेल करनी है। यहाँ क्लिक कर दिया मैंने। अब हम यहाँ पर है ग्रॉस टर्नओवर और ग्रॉस रिसीप्ट। इसमें भी दो तरीके के हैं, एक तो है थ्रू द पे चेक और अकाउंट पे बैंक ड्राफ्ट और ये जो पेमेंट आपको बैंक के थ्रू आया है सेल में वो ऊपर वाले में लिखना है और अदर मोड में आया है तो वो नीचे वाले में लिखना है। और सेकंड नंबर पर है प्रिजम्प्टिव इनकम अंडर सेक्शन 41AD तो इसमें भी दो हैं। इसमें एक है अगर चेक से पेमेंट आई है तो 6% वाले में और अदर मोड में है तो 8% पे तो मैं 8% वाले लूंगा। अब यहाँ पर हम थ्रो एनी अदर मोड में डालेंगे अमाउंट जो भी हमारा सेल का अमाउंट है और इसके बाद फिर हम इनकम डालेंगे इनकम जो भी हमारी है। ये मैंने यहाँ इनकम डाल दी और यहाँ पर ऐड पर क्लिक करेंगे। अब इसको हम स्क्रॉल डाउन करेंगे और स्क्रॉल डाउन डाउन करने के बाद फिर हम कंफर्म पर क्लिक करेंगे। अब ये देखिए ग्रॉस टोटल इनकम ये हमारी कंफर्म हो गई। अब नीचे है डिस्क्लोजर्स एंड एग्जाम्ड इनकम तो हम यहाँ क्लिक करेंगे। अब ऊपर ये लिखा हुआ फाइनेंशियल पार्टिकुलर्स ऑफ द बिजनेस इसके नीचे लिखा ना इट इज मैंडेटरी टू फिल दिस डिटेल्स तो यहाँ एड जो डिटेल लिखा हुआ है यहाँ क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर जो भी अमाउंट है आपके पास वो आपको डालना है जैसे पार्टनर्स कैपिटल कितनी है सिक्योर लोन कितना है अनसिक्योर लोन्स कितने हैं एडवांस कितने हैं सन्ड्री क्रेडिटर्स कितने हैं और अदर लाइबिलिटी कितनी है तो ये टोटल हो जाएगा आपका। फिर फिक्स एसेट्स कितना है इन्वेंट्री कितनी है
सन्डी डेटर कितना है, बैलेंस विद बैंक कितना है, कैश इन हैंड कितना है, ये सारे कॉलम आपको फिल करना है। और जिसमें रेड कलर का स्टार बना हुआ है वो मैंडेटरी होते हैं। तो मैं इसको जो जो मेरे पास फिगर है वो मैं यहाँ देता हूँ। ये मैंने ऊपर सारे कॉलम है वो फिल कर दिए। अब यहाँ ऐड करेंगे। अब इसको स्क्रॉल डाउन करेंगे और यहाँ कंफर्म कर देंगे। फिर इसको स्क्रॉल डाउन करेंगे, फिर यहाँ पर डिडक्शन का कॉलम है सारे। तो यहाँ पर देखिए आपको यस करना है, आर यू एलिजिबल टू क्लेम एनी डिडक्शन फॉर डोनेशन। अगर आपने डोनेशन पेड किया है, नहीं किया तो नो, और किया तो यस। मैं नो क्लिक करूंगा। आर यू एलिजिबल टू क्लेम डिडक्शन अंडर सेक्शन 80GG। तो 80GG आप डिडक्शन ले रहे हो, तो मेरे केस में नो है, तो मैं करूंगा। अच्छा, ये जो डिडक्शन है इसके बारे में फुल डिटेल के साथ मैंने एक वीडियो बनाई हुई है अपनी, तो आप वहाँ देख सकते हैं किस सेक्शन में कितना अमाउंट आप डिडक्ट होगा आपका, कितना आप डिडक्शन ले सकते हैं, पूरी डिटेल के साथ उस वीडियो में दिया हुआ है। अब यहाँ पर है सेक्शन 80C, तो यहाँ पर सेक्शन 80C में कितना अमाउंट है, अगर है तो यस, तो मेरे केस में नहीं है तो मैं नो कर दूंगा। ऐसे आर यू एलिजिबल टू क्लेम डिडक्शन अंडर सेक्शन 80CD है, मैं दो में अगर कितना है तो मेरे में नो है। Are you eligible to claim deduction in respect of the payment of the toward medical insurance? ये 80D में है, तो मेरे में केस में नहीं है, तो मैं नो करूँगा, और है तो यस में कर दिए। फिर सेक्शन 80E में है, तो मेरे में नो है, ऐसे ही इसमें भी मेरा नो है। और आर यू एलिजिबल टू क्लेम एनी अदर डिडक्शन, अगर और उसके अलावा कोई है तो उसमें यस, मेरे केस में नो है, तो मैं नो करूँगा। इसको स्क्रॉल डाउन नीचे करेंगे और फिर यहाँ इसको कंफर्म लिखा हुआ है, यहाँ क्लिक करेंगे, तो ये हमारी जो डिडक्शन कॉलम है ये हमारा कंफर्म हो जाएगा। ये देखिए टोटल डिडक्शन ये हमारा कंफर्म हो गया। अब टैक्स पेड पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर जो भी टैक्स बनता है तो उसका पहले चालान जमा होगा, और चालान जमा करने के बाद फिर यहाँ पर देखिए डिटेल दी जाती है। अगर आपका टीडीएस अगर कटा है तो टीडीएस यहाँ शो करेगा। जो भी हमने चालान जमा किया है तो यहाँ पर लिखा हुआ है एडवांस टैक्स एंड सेल्फ असेसमेंट टैक्स, तो यहाँ पर आपको वो शो डिटेल पर क्लिक करना है, वहाँ डिटेल आएगी, वहाँ चालान जमा कर देंगे। क्योंकि मेरे केस में कोई टैक्स बन नहीं रहा है, इसलिए मैं यहाँ पर कुछ फिल नहीं कर रहा हूँ, फिर हम इसको यहाँ कन्फर्म कर देंगे। और फिर देखिए हमारा टैक्स पेड कंफर्म हो गया। अब टोटल टैक्स लायबिलिटी पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर शो करेगा कि आपकी टोटल टैक्स लायबिलिटी कितनी बन रही है। तो देखिए यहाँ पर मेरी कोई टैक्स लायबिलिटी नहीं बन रही है, ना इंटरेस्ट बन रहा है, कुछ भी नहीं बन रहा, मेरी नील है सारा। तो मैं यहाँ पर इसको कन्फर्म कर दूंगा। और फिर इसके बाद फिर नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो देखिए हमारा ये सारा कन्फर्म हो गया है। अब यहाँ पर हम प्रोसीड करेंगे। प्रोसीड करने के बाद फिर देखिए यहाँ पर हम देखेंगे जो हमने फिल किया है सारा डेटा, ठीक है। फिर इसको प्रीव्यू रिटर्न में क्लिक करेंगे और फिर यहाँ पर देखिए जो नाम लिखा है उसके बराबर में कॉलम है, यहाँ हम सिलेक्ट करेंगे। और सिलेक्ट करने के बाद फिर हम इसको प्रोसीड टू प्रीव्यू में क्लिक करेंगे
अब इसमें देखिए नीचे ये सारी जो भी हमने डेटा फिल किया है ये सारा शो करेगा, और इसको नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे लास्ट में देखेंगे आप फिगर चेक कर लीजिएगा ठीक है या नहीं। उसके बाद फिर सब कुछ ठीक है तो प्रोसीड टू वेरिफिकेशन पे क्लिक करेंगे। अब ये देखिए हमारी जो ITR 4 है ये इसका वैलिडेशन सक्सेसफुल हो गया है, यानी हमारी रिटर्न में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है और यहाँ लगा नो एरर वर फाउंड, यानी कोई भी एरर कोई गलती नहीं है मिली है इसमें। और इसके बाद फिर हम यहाँ पर आगे देखेंगे यहाँ जो प्रोसीड टू वेरिफिकेशन यहाँ पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर क्लिक करने के बाद हमारे पास तीन ऑप्शन होते हैं वेरिफिकेशन करने के। ई वेरिफिकेशन होता है जो कि आपके आधार में जो भी मोबाइल नंबर दिया हुआ है उस पर एक ओटीपी जाता है, वो ओटीपी देना होता है आपको तो आपकी रिटर्न वेरीफाई हो जाएगी और वो आपकी रिटर्न कंप्लीट हो जाएगी। दूसरा ऑप्शन है ई वेरिफिकेशन लेटर, अगर हम यहाँ क्लिक करेंगे तो इसका मतलब ये है कि आप बाद में इसको वेरीफाई कर सकते हैं कभी भी। और थर्ड है वेरीफाई बाय ITRB, तो इसमें आपको रिटर्न जमा करने के बाद उसकी कॉपी निकालनी पड़ेगी और कॉपी बेंगलुरु का जो एड्रेस दिया हुआ है वहाँ पर भेजनी होती है। आप जब तक उसको वेरीफाई के जो ITR है उसके लिए आप साइन करके बेंगलुरु नहीं भेजेंगे जब तक आपकी ITR कंप्लीट नहीं होगी। अब ये देखिए 30 दिन के अंदर लिखा हुआ है यहाँ पर 30 दिन के अंदर आपको वो भेजनी होती है। तो मैं सबसे ऊपर वाला सिलेक्ट करता हूँ ई वेरीफाई नाउ, तो मेरा ये फिर यहाँ कंटिन्यू में क्लिक कर देंगे और कंटिन्यू में क्लिक करने के बाद यहाँ पर ऑप्शन आते हैं हाउ डू यू वांट टू ई वेरीफाई, आप ई वेरीफाई किस तरह से करना चाहते हैं। आई वुड लाइक टू वेरीफाई यूजिंग OTP और मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड विद आधार, आप आधार पर जो मैंने ये बताया आपके जो आधार नंबर पर जो मोबाइल नंबर होता है उस पर आपका OTP जाता है और वो वहाँ पर OTP आपको यहाँ देना पड़ता है। उसके बाद फिर ये होता है आई वुड लाइक टू वेरीफाई यूजिंग डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट, तो डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट बनते हैं DSC बनती है उसके थ्रू भी आप इसको वेरीफाई कर सकते हैं। अगर आपके पास आधार का कोई OTP जाने का कोई आपके पास फैसिलिटी नहीं है तो इसके साथ साथ आप और भी अदर तरीके हैं वेरीफाई करने के, जिसमें जनरेट इलेक्ट्रॉनिक वेरीफिकेशन कोड थ्रू नेट बैंकिंग, थ्रू बैंक अकाउंट, थ्रू डीमैट अकाउंट, तो आप इनके जरिए भी आप ई वेरीफाई कर सकते हैं। तो मैं अब क्या करूँगा सबसे ऊपर वाला सिलेक्ट करूँगा आधार वाला, तो ये मैंने सिलेक्ट कर दिया और यहाँ कंटिन्यू पे क्लिक कर दिया। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद फिर ये ऑप्शन आता है आई एग्री टू वेरीफाई माई आधार डिटेल, तो यहाँ पर हम सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर सिलेक्ट करने के बाद यहाँ जनरेट आधार OTP लिखा हुआ है यहाँ सिलेक्ट करेंगे और फिर देखिए अब यहाँ पर OTP चला गया है उस मोबाइल नंबर पर। अब हम यहाँ पर OTP आएगा और यहाँ OTP देंगे, देखिए मैंने यहाँ पर OTP दे दिया है तो यहाँ वैलिडेट पर क्लिक करेंगे। अब ये देखिए यहाँ पर सबमिट लिखा हुआ है यहाँ पर क्लिक करेंगे और ये देखिए यहाँ लिखा हुआ आ गया यू हैव सक्सेसफुली फाइल्ड एंड वेरीफाई योर रिटर्न, यानी आपकी रिटर्न सक्सेसफुली फाइल हो गई है और वेरीफाई हो गई है। अब हम इसको डाउनलोड रिसीप्ट पे क्लिक करेंगे तो हमारी ITR की कॉपी जो है वो हमारी डाउनलोड हो जाएगी। अब हम इसको यहाँ पर देखिए पाथ देंगे, अभी मैंने फाइल नेम दे दिया और इसको यहाँ सेव कर दिया। सेव करने के बाद अब हम इसको ओपन करेंगे तो देखिए ये हमारी ITR 4 इनकम टैक्स की रिटर्न ये जमा हो गई है सारी, ये देखिए। अब हम जो हमारी ITR का फॉर्म है वो हम देखेंगे चेक करेंगे। अब यहाँ फिर दोबारा से डैशबोर्ड पर जाएंगे और डैशबोर्ड पर जाने के बाद ई फाइल लिखा हुआ है यहाँ पर रखेंगे कर्सर और इनकम टैक्स रिटर्न और फिर हम व्यू फाइल रिटर्न पर जाएंगे तो ये देखिए हमारी असेसमेंट ईयर 22-23 की लिखा हुआ है ओरिजिनल और ITR 4, तो अब यहाँ से भी हम इसकी एक्नॉलेजमेंट की कॉपी को डाउनलोड कर सकते हैं और यहाँ पर
डाउनलोड फॉर्म लिखा हुआ है, यहाँ क्लिक करेंगे तो हमारा जो फॉर्म है यहाँ सेव पे क्लिक कर देंगे और फिर ये देखिए यहाँ खोलेंगे तो ये हमारा ITR का फॉर्म है, फॉर्म नंबर 4। और नीचे देखिएगा स्क्रॉल डाउन करके ये सब पूरा फॉर्म है। तो इस तरह से हमारी ये पूरी इनकम टैक्स की रिटर्न जमा हो गई है। किस तरह से रिटर्न जमा होती है मैंने पूरी डिटेल के साथ आपको समझाया है। आई होप मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और आप समझ गए होंगे कि इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म नंबर 4 कौन कौन जमा कर सकता है और ये कैसे जमा किया जाता है। मैंने आपको इस अपनी वीडियो में डिटेल से समझाया है, स्टेप बाय स्टेप समझाया है। अगर आपको मेरी ये वीडियो समझ आई हो और आपको मेरी वीडियो ये अच्छी लगी हो तो मेरी इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपने यार दोस्तों को करें दिखाएं और इसको लाइक करें और हमें बताएं कि हम आगे किस टॉपिक पे वीडियो बनाएं। इसके अलावा आप हमसे कोई क्वेश्चन भी कर सकते हैं, इस नीचे जो कमेंट लिखा हुआ है वहाँ पर आप कमेंट में लिखिए, हम कोशिश करते हैं आपके सवालों के जवाब देने के लिए। अब मिलते हैं हम अपनी किसी दूसरी वीडियो में दूसरे टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।